नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल पे। आज मैं आप लोगों के साथ साझा करूंगी बादाम शेक की रेसिपी। एक बार इस तरीके से बादाम शेक बनाइए जो बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट बनकर तैयार होएगा। बिना किसी झंझट के आसानी के साथ बन जाने वाला यह रेसिपी है। बादाम शेक बनाने के लिए यहाँ पे मैंने 8 से 10 बादाम को भिगो कर रखा हुआ था। इसका छिलका हटा लेंगे और इसको छोटे छोटे पीस में काट लिया है ताकि अच्छे से ग्राइंड हो जाए। इसको डालेंगे मिक्सर जार के अंदर और एक महीन सा पेस्ट तैयार करेंगे। इधर गैस के ऊपर एक पैन चढ़ाया है, एक गिलास का दूध लिया है, फुल क्रीम का दूध है, घर का दूध है, और इसको डालेंगे कढ़ाई के अंदर और इसे गर्म कर लेंगे। इसको लगातार चलाते रहना है जब तक उबलने न लगे। इधर मैंने लिया है 1 बड़ा चम्मच का भुना हुआ आटा। अब इसको दूध के सहायता के साथ एक घोल तैयार कर लेंगे। आटा के साथ शेक बनाने में बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है, थोड़ा गाढ़ा भी हो जाता है, आटा का बिल्कुल भी टेस्ट नहीं आएगा। देखिए दूध गर्म हो चुका है, थोड़े ही देर में उबलने लगेगा। इसको लगातार चलाते रहना है। दूध अब उबलना शुरू हो गया है। इसको चारों तरफ से चम्मच की सहायता से चला लेंगे अच्छे से। यदि यह रेसिपी आपको पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब यहाँ पर डालेंगे 1 चम्मच चीनी। आप अपने टेस्ट के हिसाब से चीनी कम या ज़्यादा कर सकती हैं। चीनी के साथ दूध को अच्छे से मिक्स करेंगे, चम्मच की सहायता से इसे मिला लेंगे इस तरह से। देखिए चीनी डालने से यह उबलना बंद हो गया है, थोड़ी ही देर में फिर से उबलना शुरू हो जाएगा। इसको चलाते रहना है। देखिए उबलना शुरू हो गया है। अब इसी स्टेज पे डाल लेंगे आटा का घोल जो तैयार करके रखा हुआ था और इसे लगातार कंटिन्यू चलाते रहना है, नहीं तो गुठलियाँ पड़ जाएंगी। देखिए इसको इस तरह से चलाते रहना है। इस तरीके से बना हुआ बादाम शेक बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगता है और बिल्कुल गाढ़ा बनकर तैयार होता है। तो एक बार इस तरीके से अवश्य ट्राई करिए और सबको प्रेम के साथ खिलाइए। देखिए उबलना शुरू हो गया है और पक भी गया है। अब लास्ट में डालेंगे पिसा हुआ बादाम और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। एक उबाल आने का इंतज़ार करेंगे। इसको लगातार चलाते रहेंगे। देखिए उबलना शुरू हो गया है। 1 से 2 मिनट तक इसे पकाएंगे, गैस को बंद करेंगे और ठंडा होने के बाद सर्व कर लेंगे। अब इसको ड्राई फ्रूट से गार्निश कर लेंगे। ड्राई फ्रूट में मैंने बादाम को पतला पतला काट लिया था पिस्ता के साथ और इसे इस तरह से सर्व कर लेंगे।